हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज़ हस्तकला। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये फैब्रिक का रोज फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। आज इसको कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। ये मैंने गजरा बनाया है, उसमें इसका यूज़ किया है। आप राखी में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसे सेंटर में लगा के और डोरी के ऊपर लगा के ऐसे राखी भी बना सकते हैं। या फिर इसमें आप यू पिन लगा के आपके हेयर में हेयर ब्रूच जैसे भी बना सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, ये थ्रेड जो हम फैब्रिक लेंगे उस कलर का मैचिंग थ्रेड एंड नीडल, फैब्रिक ग्लू, मेजरिंग टेप, सीजर्स और ये फैब्रिक जिससे हम बनाने जा रहे हैं। तो ये फैब्रिक है, पहले इसे मैं कट कर लूँगी। इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। और फिर मेजरिंग टेप के हेल्प से इसको कट करना है। इसकी विड्थ मुझे ये डबल में है, इसकी विड्थ में 4 इंचेस लूँगी। इसको एडजस्ट कर लूँगी 4 इंचेस में। ये 4 इंचेस हो गया और लेंथ लेना है 30 इंचेस। तो 30 इंचेस आ गया है, तो 30 इंचेस तक लेंथ लेना है। इसकी विड्थ हमने डबल पे लिया है, ये जो फैब्रिक है इसको डबल किया था, यहाँ से फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करके फिर 4 इंचेस लेना है एंड लेंथ 30 इंचेस। और फिर इसको मैं अभी 30 इंचेस काट लूँगी पूरा, यहाँ से लेके पूरा एंड तक काट लूँगी। सो ये मेरा ऐसे काट के ऐसे बना है। ये मैंने यहाँ से फोल्ड किया था और ये 4 इंचेस मेज़र किया था और लेंथ 30 इंचेस है। तो इस फैब्रिक को भी लेना है, ऐसे ही लेना है जैसे फोल्ड किया है। अब मैं यहाँ पे इसकी एक नॉट लगा दूँगी, कोई भी एक कॉर्नर में इसकी नॉट लगा लेंगे, जैसे हम कोई भी रस्सी में नॉट लगाते हैं उस थ्रेड में वैसे नॉट लगा लेना है। ये नॉट लगाने के बाद ऐसे दिखेगा, ये इसका एंड है और ये यहाँ पे ये एक ऐसे डिज़ाइन रेडी हुई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा ये फोल्ड वाला पार्ट है ये वाला, और ये कॉर्नर है जहाँ पे 2 लेयर्स है, तो इसको अभी ऐसे एडजस्ट करना है। इसको और हाफ में फोल्ड कर लूँगी। ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा अंदर की साइड टक कर दूंगी। अभी इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लिया है, ऐसे लेते हुए जाना है, इसको रैप करना है। इतना ले लिया, फिर जैसे ये थोड़ा सा हो गया यहाँ तक आ गया कि फिर
ये फैब्रिक को मैं फिर से ऐसे यहाँ से ऐसे घुमा दूंगी। यहाँ से ऐसे घुमाना है, यहाँ पे आ गई। अब फिर से इसको ऐसे घुमा दूंगी। फिर यहाँ आने के बाद फिर से घुमाना है, फिर घुमाना है। थोड़ा थोड़ा इंचेस होने के बाद टर्न करते समय फैब्रिक को ऐसे, ये ऐसे है, इसको ऐसे घुमा लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये रोज़ की डिज़ाइन, रोज़ जैसा रेडी होते जा रहा है। फिर से इसको ऐसे टर्न कर लूँगी, ये पेटल्स जैसे रेडी हो रहे हैं और नेचुरल पेटल्स जैसे लग रहा है। ऐसे फोल्ड करते करते आखिरी तक हमें इसको कर लेना है। थोड़ा टर्न होने के बाद फिर से फोल्ड कर लेंगे और ये आखिरी का भी, इसको भी ऐसे फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये मेरा रोज़ बन के रेडी है और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। बैक साइड ऐसी रहेगी। अब जो ये मेरा कॉर्नर है, मैं नीडल और थ्रेड लेने वाली होगी। ये मैंने थ्रेड को नीडल में स्ट्रिंग कर लिया है। अब इसको मैं स्टिच कर लूँगी जिससे ये ओपन ना हो जाए। ये जो मेरा कॉर्नर है, पहले इसको मैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। यहाँ बैक साइड भी देखना है कि हमारी डिज़ाइन ख़राब तो नहीं हो रही है, अदरवाइज हमारी सारी मेहनत वेस्ट जा रही है। और आपको स्टार्टिंग में भले ही इस आपका ये शेप नहीं आएगा, बट आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते करते आपका ऐसे शेप भी आने लग जाएगा। अब ये मेरे जो नीचे वाले सारे, उनको साथ में अच्छे से पैक कर लूँगी, नहीं तो ये खुल जाएगा।
सारे लेयर्स अच्छे से देख लेना है और सिक्योर कर देना है, कुछ छूट ना जाए, नहीं तो फिर ये ओपन हो जाएगा। सो ये मेरा ऐसे पैक हो गया है। तो ये मेरा फ्लावर रेडी है। अभी हमें ये पार्ट इसका हेड करना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो मैंने ये सर्कल काट लिया है, कोई भी राउंड शेप का ढक्कन या कुछ रख कैप रख के आप ऐसे काट सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ बैक साइड में स्टिक करना है। तो इसको थोड़े से कट्स लगा दूँगी। फैब्रिक ग्लू लेना है, और इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर देना है। इसको आप नीडल की हेल्प से भी, थ्रेड की हेल्प से फिनिशिंग कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे लगा लिया है। तो बैक साइड भी मेरी अच्छे से फिनिश हो गई है और ये मेरा रोज फैब्रिक रोज बनके रेडी है। ये मैंने उसका ऐसे बना के गजरा बनाया है। तो आप भी ऐसे ही बनाइए और उसका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।